दोस्तों, ग्लेशियर जो प्रकृति की एक देन है, ये दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही जरूरी भी हैं। लेकिन अब वो पिघल रहे हैं। लेकिन आखिर ये क्यों पिघल रहे हैं? क्या सच में ये दुनिया के अंत का संकेत है? और अगर जवाब हाँ है तो क्या इस भयानक तबाही को रोका जा सकता है? ये सवाल आज सबसे बड़ा सवाल बन गया दोस्तों, और दुनिया है कि सिर्फ इसे निहार रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ग्लेशियर मानव जाति के लिए आखिर क्यों जरूरी है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके साथ दुनिया का भविष्य जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने जो वीडियो देखा, उसमें आपने देखा कि कैसे ये बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें टूट कर गिर रही हैं। जरा सोचिए और कल्पना कीजिए कि जब इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें टूट कर गिरती होंगी तो तबाही का मंजर कैसा होता होगा। मगर ये तो बस दुनिया के अंत की एक शुरुआत है दोस्तों। हिमालय से लेकर ग्रीनलैंड तक ग्लेशियर के पिघलने का खतरा लगातार बढ़ रहा है, जो भविष्य को लेकर अच्छे संकेत तो बिल्कुल भी नहीं है। महासागरों और पृथ्वी की बर्फीली जमीन के बारे में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की आगामी रिपोर्ट का एक मसौदा समाचार एजेंसी AFP को मिला है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2015 और उसके पीछे के एक दशक में ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक की बर्फ की चादर करीब हर साल 400 अरब टन कम हुई है। इसके नतीजों में महासागरों का तल हर साल करीब 1.2 मिलीमीटर बढ़ा है। इसी दौर में पहाड़ों के ग्लेशियर ने भी हर साल करीब 280 अरब टन बर्फ खोई है, और जो 0.77 मिलीमीटर समुद्र तल हर साल बढ़ने के लिए जिम्मेदार है। पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट में क्लाइमेट प्रोफेसर आंदर्स लेवरमान का कहना है, पिछले 100 सालों में दुनिया के समुद्र तल में 35% इजाफा ग्लेशियरों के पिघलने की वजह से हुआ है। भविष्य में इन ग्लेशियरों के पिघलने से सी लेवल 30 से 50 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, जो कि खतरनाक स्थिति है। इसकी तुलना अगर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादर से करें तो इनके पिघलने से समुद्र का तल कई दर्जन मीटर तक बढ़ सकता है। इसे न केवल समुद्र के लेवल की बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, बल्कि दुनिया के कई देशों के प्रमुख शहरों के डूबने का खतरा भी बढ़ गया दोस्तों। जो शहर भारत के लिहाज से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, उसमें मुंबई और कोलकाता जैसे शहर शामिल हैं, जिन पर खतरा ज्यादा रहेगा। आपको बता दें कि दुनिया में लगभग 2 लाख के आसपास ग्लेशियर हैं। अगर आप इसमें 1000 ग्लेशियर को छोड़ दें तो बाकी का आकार बहुत छोटा है। ग्लेशियर को धरती में मीठे पानी के भंडार के रूप में जाना जाता है, इसीलिए इनका पिघलना दुनिया के अंत की तरफ भी इशारा करता है। फॉसिल फ्यूल के अधिक इस्तेमाल, ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन और ओजोन परत में छेद जैसे कई कारण हैं, जिसकी वजह से इस पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ी रहा है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। IPCC की रिपोर्ट में एक रिसर्च के हवाले से चेतावनी दी गई है कि एशिया के ऊंचे पर्वतों के ग्लेशियर अपनी एक तिहाई बर्फ को खो सकते हैं। यह हालत तब होगी जब इंसान ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने में कामयाब हो जाए और दुनिया के तापमान में इजाफे को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित कर दिया जाए। ये वाकई दुनिया को डराने वाली बात है, और अगर इसके उत्सर्जन को रोका नहीं गया और प्रदूषण का यही आलम रहा तो मध्य यूरोप, उत्तरी एशिया और स्कैंडिनेविया देशों के ग्लेशियर 2100 तक 80% पिघल जाएंगे। वहीं स्विट्जरलैंड के बारे में इसी साल वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि उत्सर्जन पर रोक नहीं लगने के कारण अल्पाइन के 90% ग्लेशियर इस सदी के अंत तक पिघल जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मानव जाति संकट में आ जाएगी, क्योंकि आज भी दुनिया साफ पानी के लिए इन्हीं ग्लेशियर्स पर निर्भर है। ग्लेशियर एक भंडार है दोस्तों, और लोगों को जब पानी की जरूरत होती है तो उन्हें ग्लेशियर से पानी मिलता है। हिमालय से मिलने वाले ग्लेशियर से तो 2 अरब लोग डिपेंड होते हैं। हैरान मत होइए, ये सच है। कृषि का पानी भी इन्हीं ग्लेशियर से ही मिलता है। कल्पना कीजिए, अगर ग्लेशियर से पानी आना बंद हो जाए तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश प्रभावित होंगे। यूरोप भी इससे अछूता नहीं रहेगा और पीने के पानी का अकाल पड़ जाएगा। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले देशों के कानों में वैज्ञानिकों की आवाज पहुंच ही नहीं रही है। वैज्ञानिकों ने तो यहाँ तक कहा है कि हम पर्यावरण को इतना दूषित कर चुके हैं कि हमारे कंट्रोल से चीजें बाहर हो चुकी हैं। हालात ये हैं कि अगर आज हम ग्रीन हाउस के मिशन को जीरो कर दें तो इसे सामान्य करने में कम से कम 200 साल का वक्त लग सकता है। यूनाइटेड नेशन ने विश्व पर्यावरण की रिपोर्ट में आगाह किया है कि अगर सी लेवल में इजाफा हुआ तो 2050 तक भारत के कई शहर इसकी चपेट में आ सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के करीब 4 करोड़ लोग इसका शिकार हो सकते हैं। यही नहीं, नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ग्लेशियर के तेजी से पिघलने से कर्नाटक के मैंगलोर पर इसका बहुत बुरा असर होगा। ग्लेशियर पिघला तो समुद्र का जल स्तर बढ़ना लाजमी है, जो कि एक बड़े संकट का इशारा है।
ऐसा ही नजारा हमने कुछ वक्त पहले उत्तराखंड के चमोली में देखा था। वहां ऋषि गंगा घाटी से टूटे ग्लेशियर की तबाही को देखकर हर कोई परेशान और सहम गया था। वो पल याद करके आज भी दिल भराता है दोस्तों। द ग्लोबल एनवायरमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मालदीव, चीन में शंघाई, बांग्लादेश में राजधानी ढाका, म्यांमार में यंगून, थाईलैंड में बैंकॉक और वियतनाम में हाओ चिन मेन सिटी तथा हाइफोंग, ये वो देश और उनके शहर हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। एशिया के सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो वो अपनी एक तिहाई बर्फ खो सकते हैं। ये हाल तब होगा जब इंसान ग्रीन हाउस गैसों के मिशन को रोकने में किसी भी तरह कामयाब हो जाए और दुनिया के तापमान को सीमित कर दिया जाए। अगर आने वाले समय में नॉर्मल तरीके से कामकाज चलता रहा और ग्लोबल इकोनॉमी फ्यूल पर किसी तरह डिपेंड रही तो सभी ग्लेशियरों का लगभग 2/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा दोस्तों। ये अनुमान की बातें नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित आंकड़े हैं। अगर ऐसा सच में हुआ तो इसका असर पीने के पानी पर पड़ेगा, खेती पर पड़ेगा, लाखों नहीं करोड़ों लोग इसकी चपेट में आना तय है। पहले ही मध्य एशियाई इलाकों में पानी की कमी हो रही है। चेतावनी ये भी है कि जिन इलाकों में बर्फ कम है वह 80% तक ग्लेशियर पिघल जाएंगे। दोस्तों ग्लेशियरों के पिघलने से इंसान के जीवन में और भी अधिक प्रभाव पड़ता है। लीबिया की राजधानी लापास के लोगों को अपनी जरूरत का 1/3 पानी इंडियन ग्लेशियर से मिलता है। साल 2016 में इसी शहर में सूखा पड़ गया। यहाँ लगभग 100 बस्तियों में एक महीने तक कोई पानी नहीं था। लोग पानी के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे थे। ये मंजर बेहद डरावना था और देखने में किसी फिल्म से कम नहीं था। दुनिया के लिए एक बड़ा सबक है दोस्तों। अगर वाकई भविष्य में ग्लेशियर से पानी आना बंद हो गया तो क्या क्या हो सकता है। अगर हम अब भी सचेत नहीं हुए तो दुनिया को बचा पाना मुश्किल होगा। गाड़ी, फैक्ट्री और एसी से निकलने वाला कार्बन ग्लेशियर के पिघलने की बहुत बड़ी वजह है। इसलिए जितना कम हो सके उनका प्रयोग करें, क्योंकि दोस्तों हमारी छोटी छोटी कोशिश से शायद दुनिया की उम्र और बढ़ जाए। और इसके लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना होगा, तभी हम और आप यानी ये दुनिया बचेगी। ये जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जितना हो सके साझा कीजिए, क्योंकि हमारी दुनिया है, हमें इसे बचाना है। वीडियो कैसी लगी हमें लाइक या कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।